स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। हम अभी आए। अरे कादम्बरी, तुम्हें पता है आज लोहड़ी है? हाँ नहीं भाभी, फिर तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। भांगड़ा शांगड़ा करेंगे। वैसे भी हमारी मानवी की शादी के बाद की पहली लोहड़ी है ना? बिल्कुल। नहीं नहीं चाची, हम सबको ही पता है बुआ जी किस हालात से गुजर रही है, और ऐसे में हम सबका लोहड़ी सेलिब्रेट करना ठीक नहीं होगा ना। और वैसे मेरे लिए त्योहार से ज्यादा अपनी फैमिली की खुशी जरूरी है, तो अगर सब लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ। बड़ी हो गई है मेरी बन्नू। दी आ रही है। आप चाची आपकी टांडे चलो ना। सही आइडिया है ना? वो देख, वो देख। मुझे तो याद ही नहीं था, मुझे अपने पापा को फोन करना है, बहुत ही अर्जेंट है, मैं अभी करके आती हूँ। है आप कंटिन्यू करो और तू चीटिंग मत करना। चाचू लगता है अपना काम हो गया। कुछ भी कहो, बीवी हो तो चाचू की बीवी जैसे, जो एक इशारे में पति का इशारा समझ जाए और उसे फॉलो भी करे। यस। आगे, 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 आगे। चाची आराम से। चाची दाल, पानी। लगता है हमारी किस्मत पे ही पानी फिर गया। हमारे खाने का तो पैंट बची है। चाची आई। अरे मैं कहता हूँ कि हम लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तू चुप रह, समझ रहा है? बन जाएगा। अरे वैसे ना वही हाल होगा क्रिकेट वाला। अरे वैसे ही। ऑर्डर। तमाम गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शलोक बेटे की बांध को बांध लेना चाहिए। मतलब ये कि यहां बैठने की बजाय हम लोग सब्जी बनाते हैं, जो भी होगा देखा जाए। अब सब्जी कैसे बनाते हैं वो ऐसे है कि
पहले सब्जी को कढ़ाई में डालते हैं, फिर उसको मसाले और घी में भूनते हैं, बन गई सब्जी। अच्छा, और दम आलू? अरे वो तो बनाना और भी आसान है बेटा, आलू डालकर दम लगाकर बनाओ, बन गया दम आलू। दादाजी अगर आपकी बात मानेंगे ना तो दम आलू नहीं, आलू बम बन जाएगा। चलो बेटा तू भी मेरा मजाक उड़ाने लग गया। चुप, इंटरनेट। क्या मतलब? इंटरनेट चाचू, आजकल इंटरनेट में ना सारी रेसिपीज मिलती है, I'm sure। अरे हाँ, इंटरनेट हाँ, हाँ। तो मिलेगा। अरे बेवकूफो, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इंटरनेट, इनफैक्ट उन दिनों की तो बात ही कुछ और थी। जैसे ही वीरेन विराट के स्कूल की छुट्टियां हुई नहीं, हमारा पिकनिक शुरू। वैसे वीरेन और विराट बचपन में इतने शरारती थे कि पूछो मत, है ना भाभी? सच दीदी, पता है हम लोग तो ये देखने में लगे रहते थे कि इन दोनों को कहीं चोट ना लग जाए, कहीं हाथ पैर ना तोड़ बैठे, पूरा घर सर पे उठाकर रखते थे। लेकिन माँ, जीजू का तो पता नहीं, लेकिन विराट तो जरूर शरारती होगा। जीजू तो बहुत सिंसियर लगते हैं। अरे दोनों ऐसे थे। अरे श्लोक, धनिया कौन सा है? अरे विराट भैया, जो ग्रीन कलर का होगा उसे धनिया कहते हैं। अरे विराट, इंटरनेट पे देख लेना यार। ओह, मनु देख तो तेरी शर्ट की वजह से क्या हो रहा है। जो लोग किचन में झांकते भी नहीं थे उनको खाना पकाना पड़ रहा है। अब जीविका भाभी को ऊपर क्यों देख रहे हो? जीविका कहाँ दिख रही है? ऊपर क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बता दे कि रोटियां कैसे बनाते हैं। थोड़ा मेरे लिए भी प्रे कर दे। जी चाचू।
कैसा खाना बनाया होगा इन मर्दों ने। वैसे फॉर अ सेफर साइड मैंने 3-4 रेस्टोरेंट्स के नंबर लेके रखे हैं। अब मानवी जी पहले खाना ट्राई करके देखिए। पहले सर्व तो कर दो। रोटी तो काफी गोल गोल बनाई है, किसने बनाई है? वीरेन जी ने। बनाई होगी, वीरेन जी ने बनाई होगी। वैसे खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। खुशबू से क्या होता है बुआ जी, टेस्ट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। मानवी जी जरा चक्कर तो देखिए। तो फिर क्या फैसला किया घर की अदालत ने? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।